चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती। आखिर कब रिलीज होने जा रही है प्रभास की राधे श्याम? किस ग्रुप ने खरीदे इसके सैटेलाइट राइट्स? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राह स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जियाल। दोस्तों, सुपरस्टार प्रभास ने बाहुबली के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस समय साउथ इंडस्ट्री में उनका एक अलग ही मुकाम है। हालांकि इस समय वो फिल्म राधे श्याम को लेकर चर्चा में चल रहे हैं। राधे श्याम में प्रभास का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म में उनकी हीरोइन पूजा हेगड़े होने वाली है और दोनों का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इस समय फिल्म से एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि फैंस के लिए काफी खास है। पता चला है कि फिल्म में जो सैटेलाइट राइट्स है फिल्म के, वो बिक चुके हैं और इसको जी ग्रुप ने खरीदा है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है अभी, बाकी है बात। एक रिपोर्ट के मुताबिक राधे श्याम के सैटेलाइट राइट्स बिक चुके हैं, लेकिन जी ने इसको कितने में खरीदा है इसका ऐलान अभी होना बाकी है। इसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था। फिल्म से लवर बॉय वाला प्रभास का झलक देखने को मिला था। टीजर की शुरुआत प्रभास की ब्लॉकबस्टर हिट बाहुबली के लुक के साथ होती है, जिसे साहू तक दिखाया गया, जिसके बाद उन्हें एक रोमांटिक अंदाज में दिखाया गया जो कि फिल्म राधे श्याम से है। प्रभास और पूजा हेगड़ी की ये जो फिल्म है वो मेगा बजट फिल्म है। पूरे 350 करोड़ का खर्चा किया गया है इस फिल्म में। इस रोमांटिक फिल्म को राधा कृष्ण ने निर्देशित किया है। प्रभास इसके पहले फिल्म साहो में नजर आए थे, लेकिन फिल्म उतनी नहीं चल पाई जितना कि अंदाज़ा लगाया गया था। प्रभास राधे श्याम को लेकर काफ़ी समय से काम भी कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म की जो कमाई है वो ताबड़तोड़ होगी और बहुत टाइम बाद वो लवर बॉय यानी कि रोमांटिक किरदार में दिखेंगे। इससे पहले लास्ट टाइम वो उनकी फिल्म डार्लिंग में दिखे थे ऐसे किरदार में, और जो टीज़र है फिल्म का वो वाकई बेहद शानदार है। पूजा हेगड़े और प्रभास की जोड़ी को हम स्क्रीन पर देखने वाले हैं इस फिल्म के ज़रिए, और एक प्यार की महाकाव्यात्मक कहानी है। प्यार के अलग अलग नज़रिए इस फिल्म में दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं राधे श्याम का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राह स्टूडियोज़ को।